हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और देखिए कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी हमने जब ये शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था Uh, तब तो हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी एस बी पेमेंट का ये चार्ट पैटर्न है और आपको बताया था कि ये स्टॉक्स भागता हुआ नजर आएगा और उसके बाद से अगर देखे तो नौ सौ का स्टॉक यहाँ पर ग्यारह रुपए तक हाँ भागता हुआ दिखाई दिया लगभग दो सौ रुपए ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था किस बेसिस पे यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा था यहाँ पर देखिए ये यह, यहाँ तक ये चार्ट पैटर्न आया था तो मतलब यहाँ पर ये ये हेड बना था इसके बाद यहाँ पर एक ये बनाता हुआ नजर आ रहा था ये कप ये कप बनाया था इसके बाद हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा था ऊपर की तरफ

स्टडी आपको करनी है कोई भी शेयर खरीदने से पहले बट यहाँ पर आके आपको सीखना है किस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट चार्ट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर आप चार्ट स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं फॉर द फॉर द स्विंग स्विंग ट्रेड या जैसे भी तो आइए वीडियो की तरफ

इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशनिटीसी नेटवर्क अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स करें तो अगर कहने का मतलब क्या है तो देखिये आज की डेट में एक न्यूज भी आई है आई टी डी सी के जो होटल आठ होटल इनके है तो वो सारे के सारे डीमोनेटाइजेशन में होते डीमोनेटाइज होते हुए दिखाई देंगे मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट जैसे कि यहाँ पर सेलिंग करते हुए दिखाई देगी अपने स्टॉक्स को तो यहाँ पर अगर हम देखें आईटीडीसी यहाँ पर न्यूज़ तो आपको पता चलेगी आईटीडीसी न्यूज़ से रिलेटेड यहां पर एक बार चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए देखिये द अशोक सेवन अदर आई होटल्स टू बी मोनेटाइज इन द नेक्स्ट फोर ईयर्स तो अगर बात करें नेक्स्ट फोर इयर्स की बात हो रही है बट नेक्स्ट इयर्स की नहीं पर पर बात पर अभी की चल रही है कि पर पर कभी भी ये स्टॉक मोनेटाइज कर सकते और यहाँ पर गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है इसी वीक में दो तीन यहाँ पर आपने न्यूज भी सुनी होगी आज टीवी पर दो तीन दिन में यहाँ पर ये शेयर अगर बात करें इस वीक के अंदर अंदर मीटिंग्स होने वाली है हाई लेवल की और यहाँ ये ये जो पर जो होने वाली है, आ, तो ये पर अगर तो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पर कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है इस वजह से हमने यहाँ पर चुना है तो बिजनेस मॉडल जैसे कि आप समझ ही चुके हैं यहाँ पर होटल्स एज वेल एज डाइवर्सिफाइड इनका ये एजुकेशन वगैरह देते हुए नजर आते हैं और टूरिज्म से रिलेड ये काम करते हुए नजर आते हैं जो कि आप यहाँ पर इनके रिलेटेड जैसे देख सकते हैं अशोका होटल से रिलेटेड यहाँ पर है एज वेल एज यहाँ पर अशोक ट्रेवल्स एंड टूर से रिलेटेड काम करते हुए दिखाई देते हैं कलिंगा अशोक यहाँ पर होटल्स एंड बैंक इवेंट डाइनिंग ट्रेवल्स एंड टूर्स साउंड एंड लाइट शो तो इस तरीके से ये कंपनी अलग अलग, अलग चीजों में काम करती हुई दिखाई दे सकती है एक बार इनके वेबसाइट पर जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की तो देखिए सबसे पहले डेट फ्री कंपनी है जो कि फंडामेंटल्स दिखा देती है प्लेजिंग की बात करें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है आर ओ सी आर ओ ही कुछ खास नहीं है इसका और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है तीन हजार दो सौ सोलह करोड़ रुपए का मार्केट कैप है मार्केट कैप भी कुछ ज्यादा नहीं है दस रुपए का यहाँ पर अगर बात करें फेस वैल्यू भी है इसका इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर देखिए टूरिज्म सेक्टर है पहली बात तो ओके होटल्स इंडस्ट्री है तो इस वजह से यहाँ पर यहाँ पर प्रेशर भी पड़ा हुआ है इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टैंड लोन भी एक बार चेक कर लेते हैं तो स्टैंड लॉन भी आपको पता चलेगा वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत घाटे में ही दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट की ईयरली बेसिस पे बात करें सेल्स की तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा कर

तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कप बनाया इसने और फिर यहाँ पर हैंडल बना के ये ऊपर जाएगा और हम यहाँ पर अगर बात करें हम ज्यादा टारगेट की बात नहीं करेंगे वी विल नॉट टॉक अबाउट कि इसका ये टारगेट क्योंकि अभी कंपनी काम ही नहीं कर रही अच्छा खासा और ऐसे में भगा भी दिया और नेगेटिव यहाँ पर सब कुछ आ रहा है ऐसे में शेयर अगर भाग भी गया तो उसे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते ओके तो वी कंसिडर कि हाँ जो यहाँ पर रियल आए तो देखिए वैसे अगर बात करें कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जो चार्ट यहाँ पर जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं छे सौ

रिस्की ट्रेड है पहले ही बता देता हूँ और चार्ट पैटर्न इसी तरीके का एस का बन रहा था जो करी थी। और देखिए चार्ट पैटर्न तो बना के और ऊपर की तरफ निकल सकता है कभी भी और टारगेट पंद्रह के गेन आपको दे सकता है बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है रिस्की ट्रेड है पहले बता देता हूँ फाइनेंशियल खुद की स्टडी करके यहाँ पर आपको कुछ भी पोजिशन लेनी है और यहाँ इस वीडियो को लाइक करिए दूसरी वीडियोस को जाके देखिए उसमें अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है यहाँ पर आप रिस्क यहाँ पर शेयर को खरीदेंगे तो यहाँ पर रिस्क नहीं होगा यहाँ पर रिवॉर्ड होगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस